सभी गुरुवारों का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवार क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं फरवरी 2015 का जो पेपर था उसके जो कॉम्प्रिहेंशन आया था उसमें उसकी इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन की। आपको पता है कैसे करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व? सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन। तो यही चीज़ फॉलो करते हैं हम हमेशा, यही चीज़ हम फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, क्वेश्चन से। सबसे पहले 136वां क्वेश्चन है, द ऑथर्स फादर वुड नॉट अलाउ हिज फैमिली टू यूज़ द जीप बिकॉज। ऑथर की जो फैमिली थी वो फैमिली को यूज़ नहीं करने, ऑथर के जो फादर थे वो फैमिली को अपनी यूज़ नहीं करने देते थे जीप। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल, द रोड्स वर फुल ऑफ पोथोल्स, ही वाज अफ्रेड ऑफ एक्सीडेंट्स, द जीप वाज इन बैड कंडीशन। ठीक है, तो ये भी मिल जाएगा इसमें पैसेज में कि क्यों नहीं चलाने देते थे जीप। ठीक है, यूज नहीं क्यों करने देते थे। ठीक है, द ऑथर टोल्ड हिज चिल्ड्रन टू बी फन विद सर्वेंट्स, ट्रीट स्मॉल पीपल विद रेस्पेक्ट, मेंटेन ए डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम सर्वेंट्स, बी काइंड टू स्मॉल पीपल। तो क्या सिखाया ये भी जानेंगे हम। इसके अलावा 138वां क्वेश्चन है, द ऑथर वाज क्रिटिकल ऑफ हिज चिल्ड्रंस फ्रेंड्स बिकॉज दे एटीट्यूड टू सर्वेंट्स स्मैक्ड ऑफ वीकनेस, अरोगेंस, कोर्सनेस या लोफ्टीनेस। ठीक है, मतलब ऑथर जो थे वो क्रिटिकल थे अपने बच्चे के दोस्तों से, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था सर्वेंट्स के लिए वो कैसा था, उसमें कैसी मतलब कैसी बू आती थी या कैसा बिहेव करते थे, किस तरह का था। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड सर्वेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑथर का जो एटीट्यूड था सर्वेंट्स के लिए वो कैसा था, रेस्पेक्टफुल था, रैशनल था, इंडिफरेंट था या अफेक्शनेट था। द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिफ्यूजिस, तो ये वोकैब हो गई। द वर्ड दैट कैन रिप्लेस रिट्रिएटेड इज, तो ये भी वोकैब हो गई आपकी। देखते हैं ऊपर पैसेज में मिल जाएंगे, ढूंढना क्या क्या हमें एक बार और देख लेते हैं। ऑथर के फादर जो थे वो फैमिली को क्यों अलाउ नहीं करते थे जीप का यूज करना। ठीक है, ऑथर ने बच्चों को क्या सिखाया, और ऑथर जो है अपने बच्चों के जो दोस्त थे उनके साथ, उनका मतलब उनके जो दोस्त थे उनके साथ क्रिटिकल था। क्यों? क्योंकि इनके जो दोस्त थे वो सर्वेंट के साथ कैसा बिहेवियर करते थे, और रिफ्यूज का अपोजिट और रिट्रेटेड का जो रिप्लेस कर सकता है या रिट्रेटेड का सिनोनिम। चर्चा करते हैं, एज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर माई फादर वॉज गिवन अ जीप बाई द गवर्नमेंट, देयर वॉज नो गैरेज इन द ऑफिस सो द जीप वॉज पार्क्ड इन अवर हाउस, माई फादर रिफ्यूज टू यूज इट टू कम्युनिकेट टू द ऑफिस, ही टोल्ड अस दैट द जीप इज एन एक्सपेंसिव रिसोर्स गिवन बाई द गवर्नमेंट, ही रिट्रेटेड टू अस दैट इट वॉज नॉट हिज जीप बट द गवर्नमेंट जीप। तो ये आगे रिट्रेटेड। ठीक है, इंसिस्टिंग दैट ही वुड यूज इट ओनली टू टूर द इंटीरियर्स, ही वुड वर्क टू हिज ऑफिस ऑन नॉर्मल डेज, ही ऑल्सो मेड श्योर दैट वी नेवर सेट इन द गवर्नमेंट जीप, वी कुड सिट इन इट ओनली वैन इट वॉज स्टेशनरी, मतलब जब वो स्थिर थी तभी। दैट वॉज अवर अर्ली चाइल्डहुड लेसन इन गवर्नेंस, ए लेसन दैट कॉरपोरेट मैनेजर लर्न द हार्ड वे, सम नेवर डू। द ड्राइवर ऑफ द जीप वॉज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट ड्यू टू एनी अदर मेंबर ऑफ माई फादर्स ऑफिस। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ द जीप वॉज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट ड्यू टू एनी अदर मेंबर ऑफ माई, जैसे उसके जो पिताजी के ऑफिस वाले और लोग थे उनके संभाल ही उन्हें ट्रीट किया जाता था। एज स्मॉल चिल्ड्रन वी वर टोल्ड नॉट टू कॉल हिम बाय हिज नेम, वी हैड टू यूज द सफिक्स दादा व्हेन एवर वी वर टू रेफर टू हिम इन पब्लिक और प्राइवेट। व्हेन आई ग्रो अप टू ऑन ए कार एंड ए ड्राइवर बाय द नेम ऑफ राजू वाज अपॉइंटेड, आई रिपीटेड द लेसन टू माई टू स्मॉल डॉटर्स। ठीक है, आई रिपीटेड द लेसन, दे हैव एज ए रिजल्ट ग्रोन अप कॉलिंग हिम राजू अंकल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स हु रेफर टू देयर फैमिली ड्राइवर्स एज माई ड्राइवर। व्हेन आई हियर दैट टर्म फ्रॉम स्कूल और कॉलेज गिविंग गोइंग पर्सन आई क्रिंज, टू मी द लेसन वॉज सिग्निफिकेंट, यू ट्रीट स्मॉल पीपल विद मोर रेस्पेक्ट देन यू ट्रीट बिग पीपल। तो हाउ शुड वी ट्रीट स्मॉल पीपल विद मोर रेस्पेक्ट देन वी ट्रीट बिग पीपल, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स देन योर सुपीरियर्स। ठीक है, अब बात चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। द ऑथर्स फादर वुड नॉट अलाउ हिज फैमिली टू यूज द जीप बिकॉज, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल, इट वॉज गवर्नमेंट व्हीकल। द रोड्स वर फुल ऑफ पोथोल्स, इसकी कोई चर्चा नहीं है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ एक्सीडेंट, ये कोई चर्चा नहीं। द जीप वॉज इन बैड कंडीशन, इसकी भी कोई चर्चा नहीं। अच्छा, बात करते हैं 137 की। द ऑथर टोल्ड हिज चिल्ड्रन टू, ऑथर ने अपने बच्चों को क्या सिखाया, टू फर्म विद सर्वेंट्स, नहीं। ट्रीट स्मॉल पीपल विद रेस्पेक्ट, ये सिखाया था। मेंटेन ए डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम सर्वेंट, नहीं। टू बी काइंड टू स्मॉल पीपल, नहीं। ट्रीट स्मॉल पीपल विद रेस्पेक्ट, ये सिखाया था ऑथर ने। द ऑथर वॉज क्रिटिकल ऑफ हिज चिल्ड्रंस फ्रेंड बिकॉज दे एटीट्यूड टू सर्वेंट्स स्मैक्ड ऑफ, मतलब कैसी वो आती थी जो सर्वेंट्स
एटीट्यूड था उनका, जो उनके बच्चों के जो दोस्त थे उनसे, ठीक है, वीकनेस कमजोरी की नहीं, ठीक है, कोर्सनेस भद्देपन की, भद्दापन था पर नहीं, वो तो नाम देते थे, वो भी भद्दापन नहीं हुआ इतना, अरोगेंस अराजकता की ये हो सकता है, ठीक है, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते थे, लॉफ्टीनेस की नहीं, ठीक है, तो अरोगेंस इसका सही आंसर है। लॉफ्टीनेस का मतलब क्या होता है, लॉफ्टीनेस का मतलब होता है जैसे तुम ऊंचे पद पर हो, ठीक है, तुम ऊंचाई वाली वो है, ठीक है, तो उसमें यूज होता है लॉफ्टीनेस। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्वेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑथर का जो एटीट्यूड था सर्वेंट्स के प्रति वो कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, रेस्पेक्टफुल था, हाँ रेस्पेक्टफुल था, इंडिफरेंट था, नहीं बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं, रैशनल था, नहीं अफेसिनेट था, नहीं, ठीक है, रेस्पेक्टफुल था। द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिफ्यूज इज, रिफ्यूज का अपोजिट क्या होता है, तो रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक है, तो हाँ करना ही इसका अपोजिट हो गया। एक्सेप्टेड हाँ हो सकता है, रिसीव्ड नहीं, जस्टिफाइड नहीं, एडमायर्ड नहीं, ठीक है, तो एक्सेप्टेड। द वर्ड डेट कैन रिप्लेस रिट्रेटेड इज, रिट्रेटेड जो रिप्लेस कर सकता है, या रिट्रेटेड का जो सिनोनियम है वो क्या है, तो देखो यहाँ पे जैसा आया था, ही टोल्ड अस दैट द जीप इज एन एक्सपेंसिव रिसोर्सेज गिवन बाय द गवर्नमेंट, ही रिट्रेटेड टू अस दैट इट वॉज नॉट हिज जीप बट द गवर्नमेंट्स जीप, जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि इनका एक प्राइवेट व्हीकल नहीं था पर किसका था, गवर्नमेंट का व्हीकल था, तो इन्होंने रिट्रेटेड का मतलब क्या होता है, दोबारा बताई वो बात, ठीक है, एक नीचे और आया था ऐसा ही कुछ, जैसे आई रिपीटेड द लेसन टू माई टू स्मॉल डॉटर्स, तो रिपीटेड भी यहाँ पर आया है और रिट्रेटेड भी यहाँ पर आया है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, तो हम रिपीटेड की जगह रिट्रेटेड रिपीटेड यूज कर सकते हैं, पैसेज में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक पैसेज, दूसरे पैसेज की बात करते हैं 142 से 150 तक, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरिट सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेज अवार्डेड टू रामानुजम एट स्कूल आर ए प्रूफ हिज, मतलब जो मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेज थे रामानुजम को मिले थे वो किस चीज़ का प्रूफ है, चलो इसमें जरूर जिक्र किया होगा, तभी क्वेश्चन पूछा है। रामानुजम मदर टुक इन कॉलेज स्टूडेंट्स एज बोर्डर्स बिकॉज, रामानुजम की जो मम्मी थी उन्होंने जो कॉलेज के स्टूडेंट को लिया वो बोर्डर्स की तरह लिया, क्यों, क्योंकि द फैमिली वाज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, सी वॉन्टेड टू गिव हर सन ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, सी वॉन्टेड टू सेव मनी टू बाई हाउस, सी हैड टू पे अप ह्यूज डेब्ट, ठीक है, इसका चर्चा जरूर होगी। द टर्निंग पॉइंट इन रामानुजन लाइफ केम व्हेन, टर्निंग पॉइंट कब आया रामानुजन की लाइफ में, अच्छा और क्या देखना है, द सपोर्ट रामानुजन रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्कूल्स रेस्ट डेट, जो सपोर्ट मिली थी स्कूल से रामानुजन को वो क्या दर्शाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, रामानुजन वाज ऑफर्ड ए जॉब एट कैम्ब्रिज, रामानुजन डिड नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम हिज स्कूल, रामानुजन मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो अब्रॉड, शिशु अय्यर्स वाज रामानुजन पैट्रॉन, ठीक है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स, रील ऑफ का क्या मतलब होता है, हम मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके मतलब से पता चल रहा है रील ऑफ, चलो बाद में चर्चा करूंगा। द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्मोदर इज, स्मोदर का क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है, सिनोनिम नहीं केवल क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिकमेंडेशन इज, रिकमेंडेशन का एंटोनियम क्या है। द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस नरिश्ड इज, ठीक है, नरिश्ड को जो रिप्लेस किया जा सकता है उसका क्या है, वो क्या है वर्ड। तो हमें क्या क्या देखना है, मैरिट सर्टिफिकेट और प्राइजेस क्या दिखाते हैं, रामानुजम की मम्मी की चर्चा है कॉलेज स्टूडेंट के बारे में कि बॉर्डर्स क्यों थे वो, और टर्निंग पॉइंट कब आया रामानुजम की लाइफ में, रामानुजम से उनको जो सपोर्ट मिली वो क्या दर्शाती है, और क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, पढ़ते हैं। रामानुजम वाज बोर्न ऑन दिसंबर 2, 1887 इन इरोडे साउथ इंडिया एज द एल्डेस्ट सन इन ए फैमिली ऑफ 6 चिल्ड्रन। इन नवंबर 1892 ही एंटर्ड द टाउन हाई स्कूल एट कुंभकोणम एज ए हाफ फीस स्कॉलरशिप होल्डर एंड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम्स इन 1904। इन द स्कूल ही बिकेम अ माइनर सेलिब्रिटी वर्किंग ऑफ विद मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस फॉर अकेडमिक ब्रिलियंस, ठीक है, तो जो था वो मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस थे फॉर अकेडमिक ब्रिलियंस, अकेडमिक ब्रिलियंस के लिए मिले थे। दिस स्कूल नरिश्ड हिम फॉर 6 ईयर्स ब्रिंगिंग हिम एज क्लोज एज ही वुड हैव एवर कम टू अ सेटिस्फाइंग अकेडमिक एक्सपीरियंस। व्हेन ही वाज इन द 7th स्टैंडर्ड ही गेव क्लियर एविडेंस ऑफ हिज मैथमेटिकल गिफ्ट्स। ही कुड रील ऑफ, रील ऑफ यहाँ आया देखो, he could reel off the square root of a natural number to the specified number of places. He could point to the indeterminate nature of 0 divided by 0. Ramanujan's mother, the family being close to penury. ठीक है, रामानुजन की मदर जो थी कि किस वजह से, द फैमिली बीइंग क्लोज टू पेनोरी टुक इन कॉलेज स्टूडेंट्स एट बोर्डर्स हु नोटिसिंग रामानुजन्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स ब्रॉट हिम टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, लोनेस ट्रिग्नोमेट्री वाज वन सच ट्रेजर्स विच ही मास्टर्ड। चलो इसमें अभी तक हमें दो क्वेश्चन मिल चुके हैं ऑलरेडी। ड्यूरिंग 906-912 रामानुजन वाज कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयर
to earn his livelihood. With his notebooks as his only recommendation, he sought the patronage of B. Ramaswamy Iyer. ठीक है, तो ये आ गया पैट्रोनेज, मतलब पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, संरक्षण, मतलब इन्हें संरक्षण मिला था वी रामास्वामी अय्यर का, द फाउंडर ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, हु वाज एट तिरुकोविलर एंड आस्क्ड फॉर ए क्लर्किकल जॉब इन हिज ऑफिस, द फॉर्मर हैड नो माइंड टू स्मोदर, स्मोदर का भी जिक्र है, द फॉर्मर हैड नो माइंड टू स्मोदर रामानुजन जीनियस एंड सेंट हिम बैक टू मद्रास विद ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पी वी शेषु अय्यर, देन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास He gave in turn Ramachandran a letter of recommendation to that true lover of mathematics, R. Ramachandra Rao, the district collector, Nellore. This was the turning point in his life. The turning point kya tha? He gave in turn Ramachandran a letter of recommendation to that true lover of mathematics, R. Ramachandra Rao, the district collector. ठीक है, Nellore के जो district collector थे, उनके उनको जब उनका जब recommendation letter मिला, on the advice of P.V. Sheshu Iyer, Ramachandran communicated his theorems on divergent series in a historical letter dated January 16, 1913 to G.H. Hardy, who was 10 years senior to Ramanujan, with the personal interest of Gilbert Walker and support given by Indian stalwarts, the University of Madras awarded its first scholarship to Ramanujan to study in Cambridge. Over the next 3 months, Ramanujan received 4 long letters from Hardy, who had already sprung into action, advising the Indian office of his wish to bring him to Cambridge. ठीक है, तो मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस अवार्डेड टू रामानुजन एट स्कूल आर ए प्रूफ ऑफ हिज कमिटमेंट, नहीं सिंसियरिटी, नहीं इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, यही होगा क्योंकि इसमें दे रखा है वॉकिंग ऑफ विद मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस फॉर एकेडमिक ब्रिलियंस, तो एकेडमिक ब्रिलियंस कब आती है, जब आप इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस हो. ठीक है, कमिटमेंट से नहीं, सिंसियरिटी हो सकता है, सिंसियरिटी वजह रही हो, डेडिकेशन वजह रही हो, पर मेन रूप से इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस ठीक वजह. रामानुजन मदर टुक इन कॉलेज स्टूडेंट्स एट बोर्डर्स बिकॉज, क्यों क्यों लगते थे ना बॉर्डर्स, क्योंकि यहाँ पाया है द फैमिली बीइंग क्लोज टू पेनरी, क्योंकि जो फैमिली जो थी वो बहुत पुअर थी. ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, द फैमिली वाज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, द टर्निंग पॉइंट इन रामानुजन लाइफ केम व्हेन, टर्निंग पॉइंट कब आया, जब स्कॉलरशिप मिली, नहीं जब जॉब मिली, नहीं. हिज नेम वाज रिकमेंडेड टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेलोर, जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेलोर को उसका नेम रिकमेंड किया गया. बिल्कुल सही बात है, ये थी यहाँ लिखा हुआ सीधे. दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कब, जब आर रामचंद्र राव द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेलोर को जो है रिकमेंडेशन लेटर लिखा था. ठीक है, ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ो, पैसेज के मतलब समझने के सीधे अपना काम निकालो और चलते बनो. द सपोर्ट रामानुजन रिसीव फ्रॉम हिज स्कूल सजेस्ट दैट, रामानुजन को जो सपोर्ट मिली स्कूल से वो क्या सजेस्ट करती है, फॉर्चून फेवर्स दोज हू डेयर, मतलब भाग्य उनका साथ देता है जो कोशिश करते हैं. ए टैलेंटेड पर्सन नीड्स नरिशमेंट टू पुलिस, एक टैलेंटेड पर्सन को भी नरिशमेंट की जरूरत होती है. लक इज मोर इंपॉर्टेंट, लक ज्यादा जरूरी है. सपोर्ट और नो सपोर्ट, मैन विद टैलेंट फॉर्ज अहेड, सपोर्ट हो या ना सपोर्ट हो, पर आदमी का जो टैलेंट है वो आगे हमेशा बढ़ता है. तो इस पैसेज के अनुसार जो है वो ये है कि एक टैलेंटेड पर्सन नीड्स नरिशमेंट टू फॉलोअर्स, आप देखोगे तो बार बार भी उसे कहीं से कहीं रिकमेंडेशन मिल रहा, कहीं से कहीं रिकमेंडेशन मिल रहा, ऐसे ही जुड़ता चला जा रहा है. तो जो स्कूल से सपोर्ट मिलने से स्टार्ट हुई थी वो दिखाती है कि ए टैलेंटेड पर्सन नीड्स नरिशमेंट टू फॉलोअर्स, कि एक टैलेंटेड पर्सन है उसे भी आगे बढ़ने के लिए, खिलने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है. आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट, रामानुजन बाद ऑफर्ड जॉब एट कैम्ब्रिज, नहीं पढ़ने के लिए भेजा था, बुला रहे थे. रामानुजन डिड नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम स्कूल, गलत, खूब सपोर्ट मिली थी. रामानुजन मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो अब्रॉड, गलत, वो तो पैसे से दुखी थी. सेसो ईयर बाद रामानुजन पैट्रोन, ये सही है क्योंकि पहले तो ये थे, पैट्रोन कौन बने थे सबसे पहले, बी रामास्वामी अय्यर, उसके बाद उन्होंने कहाँ भेजा था, पी वी सेसु अय्यर को, सेसु अय्यर को भेजा था जो थे रेसिडेंसी कॉलेज में मद्रास में. ठीक है, तो यहाँ पे आई थी बात, बात करते हैं द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स, तो रील ऑफ आया था, रील ऑफ आया था यहाँ, ही कुड रील ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस. रील ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे रील होती है ना, मान लो कोई कैसेट है, ठीक है, वो कैसेट मान लेती है रील, ये कैसेट है, पुराने जमाने वाले लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने कैसेट देखी होंगी. ठीक है, इसकी रील बहुत जल्दी जल्दी चलना, मतलब कुछ याद है से एकदम जल्दी जल्दी बोल देना, इस तरीके से रटा हुआ था उन्हें, मतलब इसने रटा हुआ कह रहा, इस तरीके से वो कैलकुलेशन कर सकते थे कि किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे नेचुरल नंबर का, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस तक, एक निश्चित स्थान तक जहां तक तुम कहोगे वहां तक किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे. आप 15 कह दो, आप 21 कह दो, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, बिल्कुल रील ऑफ कर सकते थे, मतलब एकदम से फटाफट से बोल सकते थे. तो रील ऑफ का मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलना. तो द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स टू से क्विकली, सही है. फिनिशिंग, फिशिंग, नहीं,
रिहर्सिंग इजीली नहीं, रिहर्सल का मतलब नहीं, आर्टिकुलेट फास्ट मतलब साफ साफ बोलना, ये भी ठीक है, पर वो साफ साफ तो बोलते ही थे पर जल्दी भी बोलते थे, मतलब एकदम जल्दी कैलकुलेशन कर लेते थे, तो से क्विकली सही रहेगा। रील ऑफ का मतलब जो मोस्ट कहना चाहिए सही वर्ड है वो से क्विकली है। द क्लोजर सुनोने ऑफ द वर्ड स्मूदर है, स्मूदर का मतलब क्या होता है, स्मूदर का मतलब होता है दम घोट कर मारना, मतलब डेड इन मार देना, ये तो सही है चलो ठीक है, पर क्लोजेस्ट पूछना है तो डेड इन भी हो सकता है, डिस्करेज नहीं होने का, स्टिफल स्टिफली वही होता है दम घोट कर मारना, तो स्टिफल हो गया, और रुइन नहीं ठीक है, तो स्टिफल हो गया स्मूदर का मतलब, मतलब दम घोट देना बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसकी जो प्रतिभा है उसका दम घोटे। कहाँ आया था ये? हाँ, एंड आस्क फॉर अ क्लेरिकल, द फॉरवर्ड हैड नो माइंड टू स्मूदर रामानुजन सीनियर, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रामानुजन का जो जीनियस है उसका दमन हो, दम घुटने का मतलब क्या दमन हो, मतलब वो चीज रुक जा, उसका जो है जीवन रुक जा, तो वो नहीं चाहते थे ठीक है। द एंटोनियम फॉर द वर्ड रिकमेंडेशन इज, रिकमेंडेशन का एंटोनियम क्या है, तो रिकमेंड मतलब क्या होता है, किसी को आप रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब किसी की तरफ से बात कर रहे हैं ठीक है। डिसअप्रूवल, हाँ हो सकता है कि आपने डिसअप्रूव कर दिया। कंडेमनेशन मतलब निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं मतलब उसकी जो बुरी बात है उनकी चर्चा कर रहे हैं। रिवल्सन मतलब जैसे आपने रिवोल्ट सुना होगा ना, विद्रोह, तो वही हो गया रिवल्सन, मतलब आप किसी से किसी के विरोध में बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो रिकमेंड जो होता है वो सिंपल सा, वो कहता है कि हाँ भाई ये अच्छा लड़का है ठीक है, तो उसके विरोध में एकदम बोलना बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। क्रिटिसिज्म उसकी बुरी चीज़ों का चर्चा करना, आलोचना भी हार्ड हो जाएगा, कंडेमनेशन भी हार्ड हो जाएगा, डिसअप्रूवल ही बिल्कुल ठीक है। तो एंटोनियम ऑफ द वर्ड इज डिसअप्रूवल। द वर्ड डेट कैन बेस्ट रिप्लेस नरिश्ड, नरिश्ड जो को रिप्लेस कर सकता है वो क्या वर्ड है, तो देखते हैं नरिश्ड कहाँ आया था, स्कूल वाली होगी नरिश्ड जहाँ तक है मुझे लग रहा था, स्कूल में ही आया था कहीं। द स्कूल नरिश्ड हिम फॉर सिक्स ईयर्स, ठीक है, तो नरिश्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ, कि ही गिफ्टेड नहीं, सेंट नहीं, सर्व्ड नहीं, सपोर्टेड, द स्कूल सपोर्टेड हिम फॉर सिक्स ईयर्स, ठीक है, तो सपोर्टेड आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कितनी अच्छी लगी, बाकी चैनल से जुड़े रहना क्योंकि हम सारे वीडियो फिनिश करवाने वाले हैं।